हेलो गेमर्स, वेलकम बैक। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक सर्वाइवल सीरीज। अभी आप लोग ये मत पूछना कि वन ब्लॉक होता क्या है। बाकी जिस लोगों को नहीं पता वन ब्लॉक होता क्या है, मैं बता देता हूँ। वन ब्लॉक होता है माइनक्राफ्ट का एक ऐसा मोड जिसमें हम लोगों को देता है बस एक ब्लॉक, एंड जिसको माइन करने से हमको मिल जाएगा हमारा जरूरत का सारा सामान। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहो, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं पहुंच चुका हूँ वन ब्लॉक में। देखो यार, ये वन ब्लॉक छोड़ के और नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसको अभी हमको माइन करना पड़ेगा। अच्छा, के इसको माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। गाइस, एक बार गिर गया ना तो गिर क्यों गया मैं? अबे यार, आते ही फालतू मरने लग गया मैं। देखो कैसे मर रहा हूँ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ओ अच्छा, मेरे को ब्लॉक मिल गया। और देखो बाजू में एक ब्लॉक काउंटिंग आ रही है, कितने ब्लॉक में माइन कर रहा हूँ। अभी मैं इसको पहले साइड में लगा लेता हूँ, नहीं तो इस बार मर गया तो शायद से मेरा सारा सामान चला जाएगा। बाकी दोस्तों, मेरे को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा क्योंकि मैं पहली बार। ओके, मेरा पहला लेवल स्टार्ट हो चुका है एंड इसमें 10 लेवल है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी मेरे को नहीं पता है मेरे साथ क्या क्या होने वाले है, बट मैं तो एंजॉय करने वाला हूँ, आप लोग भी एंजॉय करो। पहला चेस्ट मिल गया है, इसमें देखता हूँ क्या क्या है। ओके, इसमें कुछ सैपलिंग वगैरह है, ये काम में तो आएगा, मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि वन ब्लॉक में मेरे को सारे चीज की जरूरत है, क्योंकि इधर कुछ नहीं है, मेरे को खुद क्रिएट करना पड़ेगा सारे चीज। बाय द वे, मैं थोड़ी देर और माइनिंग कर लेता हूँ। कंटिन्यू कुछ देर माइनिंग करते करते मेरे को मिल गया मेरा वर्ल्ड का दूसरा चेस्ट, एंड इसमें ज्यादा कुछ खास सामान नहीं था, बस दो पोटेटो एक स्टिक एंड कुछ फ्लावर वगैरह था। तो मैंने वापिस कंटिन्यू किया मेरा माइनिंग। माइनिंग करते करते बस रात होने ही वाला था, एंड मेरे को सामने देखा ये व्यू। मैं कुछ देर इसको देखते रहा एंड वापिस अपने काम पे लग गया। वापिस कुछ देर माइनिंग करने के बाद मेरे को और एक चेस्ट मिला, लेकिन ये कोई मामूली चेस्ट नहीं, ये था सुपर चेस्ट। ओ दोस्तों, मेरे को एक सुपर चेस्ट नाम का कुछ मिला, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। एक मिनट, ओ डायमंड मिल गया यार, दो डायमंड एंड एक चेस्ट प्लेट और लगिंग्स जो कि एक गोल्ड का, और एक पिकेक्स भी मिला। मस्त चेस्ट था भाई ये, बहुत देर से माइनिंग कर रहा हूँ यार। मेरे को पहले भी चेस्ट मिला था बट उसमें उतना अच्छा कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद बारिश भी होने लग गया एंड उसके बाद, अरे यार बारिश भी शुरू हो गया यार। बारिश का मौसम ना मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, रियल लाइफ में भी नहीं और माइनक्राफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। पर क्या कर सकते हैं यार, किस्मत में मेरे साथ नहीं है। ओ ये क्या, वो काव मिल गया मेरे को, मेरे वर्ल्ड का पहला पेट। यार इसको तो सही करना पड़ेगा यार। एक मिनट, मैं ना, मेरे डार्ट्स है मेरे पास, मैं इससे इस मेरे वेस को थोड़ी अपग्रेड कर लेता हूँ ताकि ये रह सके। तेरे टेंशन नहीं लेने का, मेरे पास दो स्टैक है। काओ तू टेंशन मत कर, तेरे लिए मैं मस्त वेस बनाऊंगा, अभी रुक जा। तो करना, बस थोड़ा संभल के यार, गिरने का डर है मेरे को यार। मैंने कभी भी ऐसा गेम पहले नहीं खेला था यार, ये पहला गेम है मेरा। अभी इधर एक खड़ा है, इसको थोड़ा संभल के लगाना पड़ेगा। अबे नहीं, अरे दोस्तों ये मेरे से क्या गलती हो गई यार, अब कैसे जीऊंगा मैं अकेला इस वर्ल्ड में, साले मेरे किस्मत ही खराब है। उस गलती के बाद मैं मेरा बेस को थोड़ा अपग्रेड करने लग जाता हूँ ताकि कोई और एनिमल अगर आए तो उसको ज्यादा तकलीफ ना हो। एंड उसके बाद मैं एक चेस्ट लगा के मेरा सारा सामान चेस्ट में डाल देता हूँ ताकि मैं कभी अगर मर भी जाऊँ तो मेरे सारे सामान सेफ रहे। सो दोस्तों, मैं मेरा सारा सामान इस चेस्ट में डाल दिया ताकि मैं सेफ रहूं, एंड मेरे को जो चीज़ मिला था वो मैंने पहन लिया। अभी लग रहा है ना थोड़ा अच्छा। गाइस, अभी मेरे को पता चला इसमें जो एनिमल वगैरह स्पॉन होता है ना, उसके साथ साथ क्रीपर वगैरह भी स्पॉन हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो इसलिए मेरे को अभी कुछ ट्रैप वगैरह तैयार करना पड़ेगा। सो मैंने पहले कैप्टिंग टेबल तैयार किया एंड उसके बाद मेरे को चाहिए होगा ट्रैप डोर। अच्छा, ट्रैप डोर कहते हैं शायद उसको। सो चार ट्रैपडोर चाहिए होगा। ओके, उसका रेसिपी क्या होता है भाई, मैं रेसिपी भूल गया यार, बहुत दिन पहले खेला था ना मैंने माइनक्राफ्ट। ओके, ये रहा रेसिपी, और मैंने चार तैयार कर लिया। अभी मेरे को चाहिए एक नॉर्मल ब्लॉक, मैंने बाकी रख देता हूँ अभी क्योंकि सेफ रहना सबसे पहले जरूरी है। अभी इधर एक नॉर्मल ब्लॉक एंड इसके ऊपर और एक ब्लॉक, और अभी चाहिए ट्रैपडोर जिसको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। ओके, थोड़ा संभल के। ओके, ऐसे करके चारों तरफ लगाना पड़ेगा मेरे को। ओके, अभी सारे ट्रैपडोर को बंद करना पड़ेगा। ओके, बंद या खोलना मेरे को नहीं पता, बस करना पड़ेगा। पहले तो इसको तोड़ दो क्योंकि ये जरूरत नहीं है अभी,
अभी बस इतने के लिए उसको लगाना पड़ा था, वो टेम्परेरी था। ओके अभी इसको पूरा खोल देता हूँ। अभी देखो इधर मॉब वगैरह आएगा ना तो इसमें अटक जाएगा और मेरे को मार भी नहीं पाएगा और मेरे को देख भी नहीं पाएगा। ओके तो वापिस अभी माइनिंग करना पड़ेगा क्योंकि देखो वन ब्लॉक में यही काम है, माइनिंग करो और मेरे को सामान मिलते जाएगा। तो गाइस मेरा दूसरा लेवल भी अनलॉक हो गया एंड उसी के साथ एक चिकन और एक काऊ मिल गया मेरे को, जो कि बहुत ज़्यादा मस्त है। इसको सेव करना पड़ेगा मेरे को। वैसे तो मैं जितना बेस तैयार किया हूँ शायद से नहीं गिरेगा, वैसे बाकी नहीं पता मेरे को, मैं वापस माइनिंग करने लग जाता हूँ। बाकी मेरे को लगता है अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक एंड चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओ और एक सुपर चेस मिल गया मेरे को। ओके इसमें देखता हूँ क्या है। ओके इसमें भी दो डायमंड एंड लेगिंग्स और पिकेक्स और एक हॉर्स आर्मर है, बट इसका क्या काम है वन ब्लॉक में मेरे को नहीं पता है। मिल गया तो रहन देता हूँ मैं। वो माइनिंग करते करते पता ही नहीं चला मेरा एक पेड़ बड़ा हो चुका है। अभी मेरे को लग रहा है ना मेरा बेस ना थोड़ा छोटा पड़ गया है, एनिमल वगैरह गिर सकता है क्योंकि इसके दिमाग में तो घुसा पड़ा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ फैंस वगैरह ना लगा देता हूँ। ओके मेरा फैंस टायर हो चुका है, मैं इसको इधर प्लेस कर देता हूँ। थोड़ा संभल के यार, डर लग रहा है पेड़ वगैरह ना गिर जाए। बहुत मुश्किल से मेरे को दो मिला, बट इसका ब्रीडिंग भी अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को दो दो बंदे चाहिए। अबे यार दो फैंस कम पड़ गया, वापस तैयार करना पड़ेगा अभी। ओके कोई नहीं कर लेता हूँ, सेफ्टी पर्पस पहले, यार सेफ्टी पहले चाहिए। सही खेल गया बैन। ओके तो गाइज मेरे को लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा मेहनत कर लिया, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ और एक नया एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।